नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Moto G22 4G वर्सेस Infinix Hot 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो G22 4G में 6.45 इंच जबकि Hot 11S में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो G22 4G में 2.95 इंच जबकि Hot 11S में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो G22 4G में 0.33 इंच जबकि Hot 11S में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि G22 4G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो G22 4G में 185 ग्राम्स जबकि Hot 11S में 205 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि G22 4G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो G22 4G में 20:9 जबकि Hot 11S में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो G22 4G में 6.5 इंचेस जबकि Hot 11S में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन G22 4G में 720x1600 और Hot 11S में 1080x2480 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो G22 4G में 83.09% जबकि Hot 11S में 84.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो G22 4G में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Hot 11S में 399 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो G22 4G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 11S की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो G22 4G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Hot 11S की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो G22 4G में पावर GE8320 जबकि Hot 11S में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो G22 4G में MediaTek Helio G37 और Hot 11S में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो G22 4G में 4 GB की RAM मिलती है जबकि Hot 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो G22 4G में 64 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Hot 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो G22 4G में अप टू 1 TB जबकि Hot 11S में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो G22 4G में Android V12 जबकि Hot 11S में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो G22 4G में 2 कलर्स जबकि Hot 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो G22 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹10,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Hot 11s की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹10,499, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹11,499 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Moto G22 4G में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Hot 11s की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Hot 11s आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A12 है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 है, तीसरा Samsung Galaxy F12 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M12 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।